हे गाइस, वेलकम बैक टू 06 स्टडी पॉइंट। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके आरआरबी जेईई सीबीटी 2 मोटिवेशन के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स डाउट में है कि आपका आरआरबी जेईई सीबीटी 2 का एग्जाम कब होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते इस तरीके से हैं कि आरआरबी जेईई का रिजल्ट आ जाए तो वो उसी के बाद पढ़ेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ पढ़ के परेशान हो गए हैं कि उनको मोटिवेशन ही नहीं मिल रही। तो गाइस, इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा और आप मोटिवेटेड हो जाओगे प्रिपरेशन के लिए। सबसे पहली चीज़, हम सिर्फ जो चीज़ ऑफिशियली रिलीज करी गई है हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। बिल्कुल एक्सपेक्टेड कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे, बिल्कुल एक्चुअल वाली चीज़ देखते हैं। आपका फर्स्ट वीक में रिजल्ट आना था अगस्त के, जो कि अभी तक नहीं आया है, ठीक है। 15 अगस्त तक आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। नेक्स्ट चीज़ आपका देखते हैं कि आरआरबी ने आपका नोटिफिकेशन रिलीज किया था जिसमें लिखा था लास्ट वीक ऑफ अगस्त, तो अभी तक तो आपका रिजल्ट नहीं आया, तो अगस्त में तो आपका एग्जाम होगा ही नहीं बिल्कुल भी। सितंबर के फर्स्ट वीक हम लेके चलते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर बात करेंगे प्रिपरेशन की, कि आपको अगर एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है आरआरबी जेईई के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, तो आप एक्चुअल में तो आपको उसी तरीके से करनी है, ठीक है। तो अगर आप आज से देखो, आपकी तारीख है 11 अगस्त को आप ये वीडियो देख रहे हो, सॉरी गाइस, आज आपकी 12 अगस्त है, ठीक है। तो 12 अगस्त को आप ये वीडियो देख रहे हो और ये मैंने मॉर्निंग में अपलोड करी है, दैट मींस कि आपके पास आज से 19-20 दिन सिर्फ आपके पास अगस्त में ही बचते हैं, ठीक है। और अगर आपका एग्जाम 1 सितंबर से भी स्टार्ट होता है तो आपके पास मिनिमम एंड मिनिमम 20 डेज है इस वीडियो को देखने के बाद। अगर आप ये वीडियो 2-3 दिन बाद देख रहे हो तो भी आपके पास 20 दिन मिनिमम लगा लो, क्योंकि 2-3 सितंबर से आगे स्टार्ट होगा, 1 तारीख से तो स्टार्ट होगा ही नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि फर्स्ट वीक बोला है तो टाइम लेते ही है, ठीक है। तो 20 दिन आप मानकर चलो कि आपको 20 दिन में अपनी प्रिपरेशन करनी है। अब बात आती है कि आपका हो गया सिलेबस। अगर आपने अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है तो आपको पढ़ना इस तरीके से होगा कि लाइक कल आपका एग्जाम है, जिस तरीके से आप अपनी पूरी इंजीनियरिंग में पढ़ते आए हो। अगर आप एक इंजीनियर हो तो दैट मीन्स यू आर अ वॉरियर, आप में वो दम है, आप में वो हिम्मत है, आपने अपनी बीटेक पार करी है, आपने अपनी बीटेक पास करी है, डिप्लोमा पास किया है सिर्फ एक रात पढ़ के, ठीक है। आरआरबी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन मोस्ट ऑफ द टाइम वही स्टूडेंट करते हैं जो एक एवरेज स्टूडेंट रहा होता है, ठीक है। 60-70% जो स्टूडेंट होते हैं वो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं और वही गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करते हैं और वही एग्जाम को क्रैक करते हैं। जो टॉपर्स होते हैं वो प्लेसमेंट ले जाते हैं अपने मार्क्स के बेसिस पर, इंटरव्यू के बेसिस पर, और एवरेज स्टूडेंट्स भी ले जाते हैं, मैं ऐसा नहीं बोलता, बट मोस्ट ऑफ द टाइम एवरेज स्टूडेंट ही गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करते हैं। और आप आरआरबी जेई के लिए या फिर जेई पोस्ट के लिए एग्जाम की प्रिपरेशन जो कर रहे हो, मिनिमम आप 2 साल से कर रहे हो, 2 ईयर्स, क्योंकि जिनका लास्ट ईयर एग्जाम क्लियर हुआ था उनका रिजल्ट ही नहीं आया, तो 1 साल का तो यहाँ पर कोई नहीं। आप मिनिमम 2 साल से प्रिपरेशन कर रहे हो और अभी तक आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। अगर आप आरआरबी जेई का एग्जाम दे रहे हो, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ पर एएलपी वाले होंगे जिनका एएलपी अभी अभी क्लियर हुआ है, ठीक है। बट आपको अभी फोकस करना है आरआरबी जेई पर, बिकॉज आरआरबी जेई आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक डिप्लोमा वाले स्टूडेंट हो, आप एक बीटेक वाले स्टूडेंट हो, आप एक बीई वाले स्टूडेंट हो, आपने अपनी स्टडी में 8-9 लाख रुपए खर्च करे हैं, डिप्लोमा वाले ने 4-5 लाख रुपए खर्च करे हैं, उसी के साथ डिप्लोमा वाले ने 3 साल इसमें इन्वेस्ट किए हैं, 2 साल प्रिपरेशन के, बीटेक वाले ने 4 साल और 2 साल प्रिपरेशन के, इन्होंने 6 साल और इन्होंने 5 साल, 5 साल, 5 और 6 साल, 7-8 लाख रुपए यहां इन्वेस्ट करे, 4-5 लाख रुपए यहां इन्वेस्ट करे, तो क्या आप एएलपी की जॉब करना चाहोगे या जेई की या एनटीपीसी की? आपने प्रिपरेशन करी थी आपने प्रिपरेशन करी थी नॉर्मली एक जेई की, कोई भी एक जेई लेवल के लिए, या तो किसी पीएसयू में या फिर आरआरबी में या फिर आरआरबी जेई में या एसएससी जेई में, आईओसीएल, ओएनजीसी, जितनी भी आपकी पीएसयूज होती हैं, स्टेट पीएसयूज होती हैं, उन सभी में किसी न किसी में जेई पोस्ट के लिए आपका जो मिनिमम नॉर्मल वाला मोटिव था, बीटेक वालों के लिए असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, और डिप्लोमा वाले को तो सिंपल से क्लियर होता है जूनियर इंजीनियर। तो अभी आपके पास गाइस मौका है और अभी ही आपकी जॉब लग सकती है। आपको पता है जो आपकी लास्ट रिक्रूटमेंट आई थी वो आपकी कब आई थी, 2015 में आई थी आरआरबी जेई की। इस वीडियो के बाद मैं आपकी एक वीडियो पोस्ट करूंगा जिसमें आपके आरआरबी जेई के 2015 के सारे क्वेश्चन पेपर होंगे जोन वाइज, ठीक है। जोन के साथ मैं आपका लिंक डाल दूंगा एक इस वीडियो के बाद, मैं वो वीडियो पोस्ट करूंगा आज ही, तो उसको आप जरूर देख लीजिएगा। और उसकी वीडियो की नोटिफिकेशन को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जैसे ही वो वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और उसी के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, अगर आप अभी भी वीडियो देख रहे हो तो आगे तक देखना, क्योंकि यहां से मोटिवेट होकर ही जाने वाले हो, ठीक है। तो ये तो चीज हो गई कि आपने क्या क्या करा, किस तरीके से करा। और अगर आप एग्जाम के 20 दिन
भी नहीं पढ़ रहे हो तो आप कर क्या रहे हो अपनी लाइफ के साथ? ठीक है, मैं आपको बता देता हूं कि आपको इसके बाद कोई चांस नहीं मिलने वाला है। एसएससी जेई आएगा अगर आप CBT 2 में टाइम वेस्ट कर रहे थे और आप एसएससी जेई सोच रहे हो। चलो आप मान लेते हैं कि एसएससी जेई आपका 23 सितंबर से है, मान के लेते हैं उसकी डेट आ चुकी है ऑलरेडी। ठीक है, तो 23 सितंबर से इसका बहुत पहले से फिक्स है। आरआरबी जेई की डेट अभी आई है, एसएससी जेई की डेट ऑलरेडी कब की आ चुकी है, महीने गुजर गए इसको आए हुए। तो 23 सितंबर से आपका ये एग्जाम है, फर्स्ट वीक में आपका ये हो जाता है। तो आपके पास 7 तारीख तक भी हो जाता है, फर्स्ट वीक हम 1 तारीख से ले लेते हैं, तो 7 तारीख तक आपका मिनिमम हो गया। तो आपके पास कितने दिन बचे? 14 दिन बचे। ठीक है, सो गाइस आपके पास 14 दिन बचे, 16 दिन बचे, जितने भी व्हाटएवर डेज, 2 हफ्ते, 2 वीक्स। आपको लगता है आप एसएससी जेई का सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे? एसएससी जेई का मैं आपको टेक्निकल वाला पार्ट बता दूं, एसएससी जेई का जो टेक्निकल पार्ट है वो बहुत ज्यादा वास्ट है, बहुत ज्यादा बड़ा सिलेबस है एसएससी जेई का इन कंपैरिजन टू आरआरबी जेई। अगर आपका आरआरबी जेई CBT 2 में नहीं हो रहा तो भाई भूल जाना कि एसएससी जेई में होगा। एसएससी जेई में जो आपके क्वेश्चन आते हैं काफी ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं और बहुत गलतियां भी होती हैं एसएससी जेई वाले आंसर की में, जब उनके आंसर रिलीज किए जाते हैं। ठीक है, तो प्रिपरेशन करना एसएससी जेई की इतनी ज्यादा ईजी नहीं है जितना ज्यादा ईजी आरआरबी जेई की है। आरआरबी जेई में जो आपका सिलेबस दिया गया है वो आपके कोर ब्रांच के कोर सब्जेक्ट्स पर ज्यादा फोकस किया गया है इन कंपैरिजन टू आपका एसएससी जेई। ठीक है, तो आरआरबी जेई का अगर आपका CBT 1 क्लियर हो रहा है तो मैं आपको पहले तो कट ऑफ बता देता हूं कि अगर आपके आप जनरल कैंडिडेट हो और आप 60 to 65 हो तो आप सेफ हो, ओबीसी कैंडिडेट हो तो आप और आपके 52 to 60 स्कोर है तो भी आप सेफ हो, और एस सी एस टी कैंडिडेट के लिए इससे भी कम। सभी जोन्स का मैं बता रहा हूँ कि एक पर्टिकुलर जोन नहीं लेके चल रहे, आप ये मिनिमम इतने मार्क्स हैं तो आप सेफ हो आप हर किसी जोन में। और बात कर लेते हैं आपके इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की जो कट ऑफ जाएगी वो थोड़ी हाई जाएगी इन कंपेरिजन टू सिविल। ठीक है, सिविल की जो आपकी कट ऑफ जाएगी वो थोड़ी लो जाएगी, बट इन कंपेरिजन टू मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है गाइस, और जो आपकी कट ऑफ जाती है वो आपके डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पर डिपेंड करती है। ओके, तो ये तो बात हो गई उसकी। तो अब आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है आपको डिसाइड करना है आपके एग्जाम के लिए। आप अगर हम ऑफिशियली देखें तो आपके पास 20 दिन बचे हैं, 20 दिन में आपको किस तरीके से पढ़ना है वो मैं आपको बता सकता हूँ, और अब मैं आपको वही बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ आपका टेक्निकल सब्जेक्ट है, टेक्निकल सब्जेक्ट में आपके लाइक आप किसी भी ब्रांच से हो, मैकेनिकल से हो, सपोज करो मैकेनिकल की जगह अगर आप इलेक्ट्रिकल वाले हो तो इलेक्ट्रिकल सपोज कर लो, यहाँ पर सिविल के हो तो सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स को हो तो इलेक्ट्रॉनिक्स। 10 टॉपिक है आपकी किसमें, आपकी जो भी मेन टेक्निकल ब्रांच है, पहले टेक्निकल की बात करते हैं बाद में नॉन टेक्निकल की करेंगे। तो टेक्निकल में आपका सीन क्या है, टेक्निकल में आपको सबसे पहले करनी है आपके वो सब्जेक्ट जो आपके मेन थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स हैं, थ्योरी करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। थ्योरी कहाँ से करनी है, थ्योरी आपने करी हुई है ऑलरेडी। ठीक है, तो आप उसको पढ़ोगे तो आपको रिकॉल होगा, आपको याद होगा कि हाँ ये ऐसे होता था, ऐसे होता था, इस तरीके से होता था। आपको मैंने नोट्स प्रोवाइड करा दिए हैं, आपको मैंने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म बता दिए हैं, आपको मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं, आपको मैंने बुक्स बता दी हैं, मेडिज की हैंडबुक से आप शॉर्ट फॉर्म में अपने नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हो। एमसीक्यू के लिए आप आर के जैन, जे बी गुप्ता, आर एस खुरमी, आर के राजपूत को यूज़ कर सकते हो, बहुत सारी बुक्स मैंने आपको बता दी हैं। तो टेक्निकल पार्ट आप वहाँ से कर सकते हो। ठीक है, लेक्चर्स मिल जाएंगे आपको, आप ऑनलाइन देख सकते हो, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे डिफरेंट ऐप्स आते हैं, बहुत सारे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारी वेबसाइट हैं, यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल्स हैं। सिंपली आपका लाइक आपने 10 में से एक टॉपिक चूज करा, आपको एक टॉपिक को खबर का खत्म करना है पहले, आपको दूसरे पे तब मूव करना है। अगर आप इस तरीके से करोगे कि आपने एक नहीं करा आप दूसरे पे मूव कर गए, दूसरे को छोड़ गए, तीसरे पे मूव कर गए, तीसरा समझ में नहीं आया चौथे पे मूव कर गए, तो आपका कुछ भी नहीं होगा। आपके पास अगर 20 दिन है तो 20 दिन में ट्राई करो कि आप टेक्निकल के मिनिमम 8 टॉपिक पूरे कवर कर लो, जिसमें से कुछ भी ना रहे, 2 छोड़ दोगे तो दिक्कत नहीं होगी। और ऊपर से एक चीज़ कि आपका जो पार्ट आएगा वो उसमें से 80% थ्योरी पास पार्ट होगा, 20% न्यूमेरिकल पार्ट होगा। तो अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो तो आपको न्यूमेरिकल नहीं करने, दैट मीन सॉरी अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट नहीं हो, जिसको अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसको न्यूमेरिकल्स करने में प्रॉब्लम होती है, तो आपको न्यूमेरिकल नहीं करने हैं। ठीक है, आपको थ्योरी पे फोकस करना है। और गाइस कुछ दिन के लिए आप वीडियो गेम्स बंद कर सकते हो, इंस्टाग्राम बंद कर सकते हो, ये जो चीज़ें होती हैं वो डिस्ट्रक्शन वाली चीज़ें होती हैं। आपको मिनिमम दिन में, सच बता रहा हूँ मैं, मिनिमम एंड मिनिमम अगर 20 दिन बचे हैं तो आपको 8 घंटे पढ़ना होगा। अगर आप 8 घंटे नहीं पढ़ोगे तो घंटा नहीं उखाड़ने वाले आप, सच बता रहा हूँ। 8 घंटे अगर आप नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ कमेंट करके बोलेंगे, कुछ बहुत सारे तो नहीं, कुछ बोलेंगे कि 8 टाइम से कुछ नहीं होता,
क्वालिटी से होता है भाई, टाइम से होता है 8 घंटे, दैट मीन्स 160 घंटे पढ़ना पड़ेगा, 10 8 into 20, 160 घंटे पढ़ना पड़ेगा तब जाके एग्जाम आपका क्लियर होगा मिनिमम मिनिमम। चलो 8 नहीं तो 6 तो पढ़ोगे 120 घंटे, और उस टाइम में आपको सिर्फ पढ़ना है। पढ़ना किस तरीके से, आपको क्वेश्चंस करने अपने टेक्निकल के ज्यादा से ज्यादा, उसी के साथ आपको रिवाइज करना है ज्यादा से ज्यादा, थ्योरी पर फोकस करना है, अपनी ब्रांच के मेन सब्जेक्ट्स पर फोकस करना है, ठीक है। अपने जो मेन सब्जेक्ट्स हैं, लाइक आप मैकेनिकल के हो तो मैकेनिकल के आपको प्रोडक्शन वाले सब्जेक्ट्स पर ज्यादा फोकस करना है, लाइक आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स पर आपको फोकस करना है। आपके पहली चीज तो मैकेनिकल में सब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा हैं, बट उसमें कुछ सब्जेक्ट्स तो दिए ही नहीं गए, लाइक टॉम नहीं दी गई, मशीन डिजाइन नहीं दी गई। वहीं पर आपकी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मैकेनिक्स और आपकी मशीनिंग, वेल्डिंग, इस टाइप के पार्ट्स दिए गए हैं जो मैकेनिकल वालों के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा ईजी है, सच बता रहा हूं मैं। और अगर आप एक मैकेनिकल के डिप्लोमा के स्टूडेंट तो गाइस सच्ची सच्ची बता रहा हूं मैं आप के 20 दिन से, 20 तो मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, आप 12 दिन में अपना सिलेबस खत्म कर दोगे टेक्निकल का, और नॉन टेक्निकल का तो कुछ सीन ही नहीं है। नॉन टेक्निकल का आपको पता है जनरल अवेयरनेस किस तरीके से करते हैं, आपने CBT 1 में भी करी थी और इसमें भी आप कर सकते हो। दूसरा चीज आती है आपके कंप्यूटर एप्लीकेशन और एनवायरमेंट, वो भी आपका हो जाएगा। तीसरी चीज आती है आपकी क्या, फिजिक्स और केमिस्ट्री। फिजिक्स और केमिस्ट्री आपकी 10th लेवल तक की आएगी, अगर आपने CBT 1 में करी थी तो इसमें करने में आपको कोई दुख नहीं होगा, कोई गम नहीं होगा, सब कुछ याद है आपको, पहले से सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करना है। अगर CBT 1 क्लियर करके आ रहे हो तो भाई तुम इतना दम रखते हो कि नॉन टेक्निकल पार्ट को 2 से 3 दिन के अंदर कवर कर लो। अपने करंट अफेयर्स को आप डेली पढ़ लो, मंथली वाली PDF ले लो, जनवरी से लेकर अब तक की मंथली की PDFs लो, उठाओ और रटो, याद करो, सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स पर फोकस करो, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। किसी भी चैनल की यूज कर लो, बहुत सारे चैनल्स हैं जो आपके जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आएंगे वो आपके करंट अफेयर्स की वीडियो से आएंगे, मेरे चैनल पर भी ऑलरेडी मिल जाएंगे आपको प्लेलिस्ट में जाके। अदर चैनल्स की यूज करना चाहते हो तो अदर चैनल की यूज कर सकते हो, मेरे चैनल पर जाओगे तो लेक्चर तो मैं दूंगा नहीं, उसमें मैंने आपको सिंपल PDF प्रोवाइड कराई हुई है, और अदर चैनल्स पर जाओगे तो वहां पर आपको लेक्चर्स भी मिल जाएंगे एक एक 1.5 घंटे के मंथली वाले, ठीक है। तो आप वहां से जाकर भी कर सकते हो, मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपको लेक्चर्स भी प्रोवाइड कराऊंगा। मैं आपको सिर्फ प्लेटफॉर्म्स बता सकता हूँ जो कि मैं करता हूं, मैं पूरी ट्राई करता हूं कि आपकी हेल्प हो, किसी भी तरीके से आपकी हेल्प हो, किसी भी तरीके से आप मोटिवेटेड हो, किसी भी तरीके से आप एग्जाम को क्लियर करो। अगर आप आज नहीं करोगे तो कल NTPC के लिए मेहनत करने का कुछ फायदा नहीं है। फायदे की बात ये नहीं कर रहा क्योंकि आपको RRB का आपको JEE की पोस्ट नहीं मिल रही, आपने जो पढ़ाई करी थी। अगर आप एक इंजीनियर हो तो 70% ऑफ द इंजीनियर्स इंडिया में ऐसे होते हैं जिनका बचपन से ड्रीम होता है इंजीनियर बनना, ठीक है। कॉलेज में आके उनको पता चलता है इंजीनियरिंग क्यों ले ली, और फिर उसके बाद जब बाहर आते हैं तब जाके उनको पता चलता है कि क्या कर लिया मैंने अपनी लाइफ के साथ, क्योंकि जॉब नहीं लग रही भाई इंडिया में, ठीक है। आप करने लगते हो गवर्नमेंट की प्रिपरेशन, गवर्नमेंट की प्रिपरेशन भी करते हो आप JEE असिस्टेंट इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन करके, और उसके बाद भी आप प्रिपेयर करते हो किसकी, NTPC की या ग्रुप D की। ग्रुप D की जॉब को मैं छोटा नहीं बोल रहा भाई, कोई काम छोटा नहीं होता, बट आपके घर वाले सेटिस्फाई हो जाएंगे आपके गवर्नमेंट, किसी भी गवर्नमेंट जॉब से घर वाले बहुत खुश होते हैं। इंडियन पेरेंट्स ऐसे ही होते हैं कि भाई लड़के की सरकारी नौकरी है, बहुत सारे ऐसे होंगे, 70% ऐसे होते हैं, 70% पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि वो अपने बच्चों को फोकस करते हैं कि भाई तुझे यही करना है, इस तरीके से करना है, वैसे करना है। बट मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं कि उनके बेटे की गवर्नमेंट जॉब है, और वो आपसे बोलेंगे भी नहीं भाई, जो 30% 70% कुछ भी हो उनको वो कुछ नहीं बोलेंगे, तुम कोई भी जॉब करोगे वो उनपे आपको दिखाएंगे, खुशी दिखाएंगे। और हाँ, वो खुश होते हैं कि तुमने कुछ अचीव कर लिया, बट तुमको अंदर से खुद का सेटिस्फेक्शन नहीं होगा ग्रुप D की जॉब करके। आपको खुद लगेगा अगर मैं भाई 4 दिन एक्स्ट्रा पढ़ लेता, 16 घंटे 100 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ लेता तो मैं आज जूनियर इंजीनियर हो सकता था। वहीं आपके साथ, आप सब RRB का एग्जाम दे रहे हो ना, वहीं पे आपका फ्रेंड क्या कर रहा होगा, JEE की पोस्ट पे होगा, और वहां पर आप क्या हो, ग्रुप D की जॉब कर रहे हो सेम डिपार्टमेंट में। तो आप कहीं ना कहीं, भले ही वो आपका बेस्ट फ्रेंड है भाई, सच बता रहा हूं आपको जेलिसी फील होगी, पक्का जेलिसी फील होगी आपको उससे कि यार मैं कर लेता तो मेरा भी सिलेक्शन हो जाता, मैं भी आज JEE होता। आप दिन में नहीं, हफ्ते में एक बार ये बात जरूर बोलोगे कि मैं पढ़ लेता तो आज मैं जूनियर इंजीनियर हो सकता था। और एक चीज और बता दूं कि जहां आपका सिलेक्शन हो जाता है तो 70% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं वो रुक जाते हैं वहीं पे, और उसमें से 50% ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ जॉब लगने के बाद, जिसके घर वालों को सिर्फ शादी करानी होती है, तो वहीं पे करियर आपका स्टॉप हो जाएगा। आप चाहते हो आपका करियर स्टॉप हो जाए तो आपकी मर्जी है, मैं आपको समझाने का काम था समझा दिया, मोटिवेट करने का काम था कर दिया। और चीज अब बात आती है कि अगर आप जॉब कर रहे हो तो प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है भाई। दिन रात को 4 घंटे निकाल सकते हो, शाम को 6 बजे आते हो या 8 बजे आते हो, ठीक है, 8 बजे आते हो, 8 बजे से भी अगर 10 बजे आप बैठते हो तो 10 से
2 बजे तक आप पढ़ सकते हो, 4 घंटे आपके रात के ये हो गए। अगर आप 20 दिन 6 घंटे सो लोगे तो कोई आफत नहीं आ जाएगी। ऑफिस तो वैसे भी तुम्हारा 9-10 बजे के बाद ही होगा, ठीक है, 6 बजे तो कोई ऑफिस चला नहीं जाएगा। अगर आप 1 महीना 2 महीना सिर्फ और सिर्फ 6 घंटे सो जाते हो तो उससे कुछ फर्क नहीं आएगा पड़ेगा, कोई आफत नहीं आएगी, आराम से जिंदा रहोगे। 6 घंटे की नींद एक आदमी के लिए इनफ होती है, मोर देन इनफ होती है, मोर 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 देन इनफ, समझे। तो नींद पर कम फोकस करो, अपनी स्टडी पे ज्यादा फोकस करो, सेल्फ मोटिवेटेड बनो कि अपना दिन का टारगेट रखो, लाइक आज मेरे को ये चैप्टर कंप्लीट करना है तो करना है, अगर नहीं हुआ तो सोऊंगा नहीं, ठीक है। आप किस तरीके से कर सकते हो, कैसे बना सकते हो, अगर आप जॉब करते हो, लाइक अगर आप बस में जाते हो, अगर आप अपने ऑफिस बस में जाते हो या कैब में जाते हो, किसी भी चीज में जाते हो, तो जाते जाते अपना टाइम टेबल बना दो आज का, उस टाइम को यूटिलाइज करना सीखो, हर टाइम को यूज करो। ये नहीं कि आप अपने कार में बैठ के जा रहे हो, बस में बैठ के जा रहे हो, जिस चीज में भी आप जा रहे हो कि उसमें बैठ के फोन चला रहे हो, एफबी पे चैट कर रहे हो, इंस्टा पे चैट कर रहे हो, पबजी पे लगे पड़े हो, आदमियों को मार रहे हो पबजी में, ठीक है, तो वो नहीं करना। आप अपना टाइम टेबल बनाओ, फोकस करो। ऐप्स आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऐप्स आते हैं जहाँ पे आपको एमसीक्यू मिल जाएंगे, जीके के बहुत सारे ऐप्स मिल जाएंगे आपको ऑनलाइन, सिंपली उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करो। टेक्निकल सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे, टेक्निकल सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन सॉल्व करो। इंडिया बिक्स नाम का ऐप आता है, उसमें आपको आर के जैन के टेक्निकल क्वेश्चन मिल जाएंगे आपकी पर्टिकुलर ब्रांचेस के, उसको डाउनलोड करो, उससे क्वेश्चन सोल्व करते रहो। उसके साथ उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे ऐप्स में, डिफरेंट डिफरेंट ऐप्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, सर्च तो करो यार एक बार, क्या नहीं मिलता सर्च करने से, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, अपना टाइम टेबल बनाओ पूरे दिन का कि आज मुझे इस सब्जेक्ट से पढ़ना है, इससे पढ़ना है, इससे पढ़ना है। करंट अफेयर्स पढ़ सकते हो आप, आते जाते जाते वक्त पढ़ सकते हो, आते वक्त पढ़ सकते हो। दिन के मुश्किल से 20 को 20 कर 20 नहीं होते आपके, 20 करंट अफेयर्स मुश्किल से होते हैं, 10 ही होते होंगे ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स वीडियोज बनाते हैं जिनमें से आपके क्वेश्चन आते हैं, वो आपके मैक्सिमम मैक्सिमम 10 क्वेश्चन रखते हैं, और भाई क्वेश्चन वहीं से आता है, एक्चुअल में रियलिटी में क्वेश्चन वहीं से आता है, उसी टॉपिक से आता है। और आप ये भी नहीं करना चाहते तो सिंपल आप वीकली मैगजीन खरीद लो, ठीक है, 7 दिन में हर एक मैगजीन आती है, अपने न्यूज़पेपर वाले से बोल दो, आसपास जहाँ पे न्यूज़पेपर मिलते हैं उसके पास जाओ, भाई मेरे को मैगजीन चाहिए वीकली या मंथली वाली, 60-70 रुपये की मैगजीन आएगी, एक बार रीड करनी है सिर्फ, सच बोल रहा हूँ, एक बार रीड करनी है, 2 बार रीड करनी है, 3री बार रीड इतने फास्ट करोगे और वो आपको याद हो जाएगी। आपको एक माइंड एक इस तरीके का होता है कि आपको उस तरह उस वक्त तो चीज़ याद नहीं होगी, जब आपके सामने उस चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आपको वो याद होगा, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, वो उसको रटने के लिए बैठ जाते हैं, भाई तुम करंट अफेयर्स ही करते रह जाओगे, वो भी 1 ही महीने के, रटना नहीं है उसको, सिर्फ पढ़ना है, याद रखना है, बस डेट याद रखनी है, कोई फुल फॉर्म है तो वो याद रखनी है, बाकी ऐसा कुछ सीन है नहीं है, सिर्फ पढ़ो रीड करके छोड़ दो, याद रहेगा पक्का याद रहेगा, नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं, जनरल अवेयरनेस में वैसे भी कोई तीर नहीं मार लेता, ठीक है। टेक्निकल पे फोकस करना है और नॉन टेक पर भी करना है, बट टेक पर ज्यादा करना है। तो आज के लिए मैं बोलूँ ये तो नहीं बोलूंगा कि वीडियो में काफी था या नहीं था, वो आपको पता होगा कि आप मोटिवेटेड हुए या नहीं, वो आपको पता होगा कि आपको ग्रुप डी की जॉब करनी है या आप फिर आपको जूनियर इंजीनियर की जॉब करनी है, वो डिसाइड आप करोगे। मेरा फ्यूचर नहीं है, आपका फ्यूचर है, मेरे हाथ में नहीं है, आपके हाथ में है, पबजी आप खेल रहे हो, मैं नहीं खेल रहा, ठीक है। या तो पबजी खेल लो या जेई की पोस्ट पर बैठ लो, जेई बनने के बाद करना ही क्या होगा, आपके नीचे टेक्नीशियन एएलपी जिन्होंने एएलपी टेक्नीशियन का एग्जाम दिया था वो काम करेंगे, सिंपल जेई बनो, अपनी चेयर पर बैठ के पबजी तब खेलना, क्या फर्क पड़ रहा है, सच बता रहा हूं मैं, बहुत फ्री टाइम रहता है गवर्नमेंट जॉब में, सरकारी जॉब में, ठीक है गाइस। सो आज के लिए वीडियो में सिर्फ इतना ही, कुछ गलत बोल दिया हो आपकी मर्जी, सुन लो, मैं बस इतना बोलना चाहूंगा आज के लिए वीडियो में सिर्फ इतना ही। विद दैट सेड, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। चैनल को कर देना सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया, फ्यूचर में सभी नोटिफिकेशन पानी है तो उसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को शेयर जरूर कर देना एटलीस्ट एक बंदे के साथ, मेरे को पता है जो बंदे मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं वो इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, भाई आपकी लाइफ बन जाएगी, क्या पता आप दोनों जेई बन जाओ। और अगर इस वीडियो को देखकर भी आप दोनों ये जूनियर इंजीनियर और एएलपी टेक्नीशियन वाला दोनों मोटिवेट नहीं हुए, ग्रुप डी वाला मोटिवेट नहीं हुए, तो दोनों ग्रुप डी कर लेना, दोनों एनटीपीसी कर लेना, दोनों जेई कर लेना, या फिर दोनों में से एक का तो होगा ही, एटलीस्ट शेयर जरूर कर देना, ठीक है। सो आज के लिए वीडियो में सिर्फ इतना ही, विद दैट सेड, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।